परमेश्वर का थान पोती, परमेश्वर का थान। ऐसा गुरु बड़ पागी पाया, ऐसा गुरु बड़ पागी पाया, ऐसा गुरु बड़ पागी पाया, ऐसा ऐसा गुरु बड़ पागी पाया, ऐसा गुरु बड़ पागी पाया, ऐसा गुरु बड़ पूले मार्ग जिने बताया, पूले मार्ग जिने बताया, पूले मार्ग जिने बताया, पूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरु बड़ पागी पाया, ऐसा गुरु बड़ पागी पाया, गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो, तंता दे पात्र हो, जो अपनी किरत करदे आ करते दी सिफत सलाह वास्ते केवल समा नहीं कढदे, सगों बड़े चा कमा दे नाल आप जी ने सतगुरु जी दे अस्थान बनाए ने, सतगुरु जी दी सेवा संभाल करन वास्ते अपने मना विच चाहो प्रगट किया होया है। और आज विशेष करके जिस गुरु की हजूरी में आप बैठे हैं, जिस गुरु के प्रकाश में अज असी सारे बैठे हाँ, अपने हाजर नाजर सतगुरु शतर चवर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे पहले प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो विशेष समागमां दी लड़ी प्रारंभ कीती है, उस लड़ी दे विच अपना जन्म सफला कर रहे हो, मैं इस गल की माफ़ी मांगता कि मैं लेट आया। मैं रस्ते विच अज संत ईश्वर सिंह होरां दा जोड़ मेला सी उत्थे रुकिया, उत्थों सिंह साहब जी होरां दे नाल मैं अपनी भी गड्डी ला ली और करतारपुर साहब तो इधर नूं मुड़िया, और मैं उत्थों भी बेनती की थी कि मैनू थोड़ा जिहा लाभ हो जाएगा जे कुछ सज्जन शहर के बाहरों आके अगों लै लवे तां।
तो 15-20 मिनट शहर में ही रुक गए, खराब हो गए। मैं सोचता कि पुलिस वाले सियाने होंगे ने, पहला उल्टा राह सानू उन्होंने दसिया। स्कूल तो भी पहला एक नाका लगा सी, कहिंदे सज्जे पासे मुड़ जाओ। तो जिवें भी होया उहदे लई मैं खुद माफ़ी मंगदा, क्योंकि ये चीज़ मेरे सुभाव विच नहीं है। कईआं दा सुभाव हुंदा वी आउंदे ही लेट ने, मेरे सुभाव विच ऐसा नहीं है। समय नाल आउणा चाहीदा, आके 10-15-20 मिनट पहला उस तरह का माहौल पहला अपना मन कबूले, जिथे असी हाजरी भरनी है। सुदास ने यह पंक्तियां जड़ियां आप जी दे नाल धारणा दे विच गायन कीतियां ने, ये बिल्कुल सच है कि ये कोई साढ़े कोई पूर्वले वड़े ही भाग ने कि सानू इस तरह का गुरु मिले। नहीं तो अज संसार नू जिदां दे गुरु मिले ने वो साढ़े सामने है। जो गल मैनू सतगुरु की बाणी तो समझ आई है कि सतगुरु जी की बाणी दे विच ये जिहड़ी एक मिथ है जुगां दे प्रथाए उहदे अनुसार भी अज दे समें नू माड़ा नहीं किया गया। कुछ गल्लां सुभाविक ने साडे विच कि जिवें आम करके असी जदों भी कोई गल करदे हां असी गल कहने हैं कि असी तां गृहस्थी हाँ जी। गृहस्थी होना कोई गुनाहगार होना नहीं है, सगों सानू इस गल का प्राउड होना चाहिए, माण होना चाहिए कि जिस धर्म नू सारे धर्मां दा प्रधान धर्म सतगुरु जी ने आख्या है असी उस धर्म के पैरोकार। कदे भी साढ़े मूँह तो यह गल इदा नहीं निकलनी चाहिए, बड़ी अपने अंदर कोई कमजोरी जी पैदा करके नहीं जी असी तो गृहस्थी हाँ। जदों असी इदा बोलते हैं तो इस धर्म तो जिहड़े लोग दूर रहे असी खुद असी उन्हां नूं चंगा करके मनदे ही नहीं, सगों उन उस प्रथा नूं बढ़ावा भी दिंदे कि जिहड़ा शादी ना करे शायद वह बहुत चंगा है। दूसरी गल जिहड़ी असी आम कहने हैं कि भाई युग किहड़ा है, तुहानू पता ही है कोई बच्चा गलती करे कोई वड्डा गलती करे कोई पढ़िया करे कोई अनपढ़िया करे वो भाई कलयुग जू होया। पूरी सतगुरु की बाणी दे विच कलयुग नू किते माड़ा नहीं किया, यह तो किया है कि अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, हुण उत्थे माड़ा शब्द तो नहीं है। हुण सानू ना दे नाल नफरत होवे भी कलू है तो काले तो है तो काला जिहड़ा है वह चंगा नहीं हुंदा, तो जिहड़ा चिट्टा रंग हुंदा है गोरी चमड़ी हुंदी जिहड़ी वह ज़्यादा अच्छी हुंदी है, कितें इदां दी कोई धारणा मन विच होवे तो वक्री गल है। सगों सतगुरु जी ने सानू मार्गदर्शन दिता कि भाई इस समय का जिहड़ा धर्म है वो नाम का धर्म है, ये जग करन दा धर्म नहीं है। जगां दी महानता उदों हुंदी सी जदों पदार्थ नहीं सी हुंदे,
जिहड़े मेरी उम्र दे जां मेरे तो इत्थे तुसीं वड्डे बैठे हो 50 साल तो उपर, एक गल मन्नी जांदी सी वी असीं रिश्तेदारां दे गए सानूं उन्होंने खंड दी चाह पियाई, क्योंकि आम लोगों गुड़ भी नहीं सी लभदा हुंदा, सानूं उन्होंने कणक दीआं रोटियां पका के दित्तियां, कणक हुंदी नहीं सी। कदे लाल बहादुर शास्त्री कहिंदा हुंदा सी वी एक टाइम रोटी ना खाओ शायद किसी भुखे नूं मिल जाए। अज तो 50 साल पहला भी पदार्थों की घाट सी, पर जिथे अज असी पहुंचे हैं ये तो योगी पदार्थों का। हुण कोई मनुख यह कहे कि जग कीतिया कोई वड्डी गल हो सकती है, यात्रावां कीतिया वड्डी हो सकती है, और जिन्हां कोल अपने हैलीकॉप्टर ने उन्हां लई ये यात्रा की मायना रखती है? कुछ भी नहीं। सतगुरु जी ने साडा मार्ग दर्शन किया। मैं समझदा कि यह जिहड़ा अज दा टाइम है इहनूं तुसीं इस वर्तमान नूं इस प्रेजेंट नूं तुसीं कल जो कहो, इहनूं 21वीं सदी कहो, जो मर्जी ना दिओ, नां नाल की फर्क पैंदा? नाम अपने आप दे विच कोई चंगा ते माड़ा नहीं है। हुण तुसीं एतवार कई लोग करदे ने जी मंगलवार ठीक नहीं तू ना कह ट्यूजडे कह दे, तैनूं वीरवार नाल ही कोई दिक्कत है ना, शनिचरवार नाल तैनूं दिक्कत है, तू सैटरडे कह दे, फिर तो शनिदेव जी तो बच जाएगा ना तू, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। कईआं नूं महीनिआं दे नावां तो प्रॉब्लम है, ये महीना ठीक नहीं है, तू देसी ना कह, तू अंग्रेजी ना लै लै बई अज ते इन्ने साढ़े कोल इस वेले इन्ने साधन मौजूद ने, इन्नी ऑप्शन है साढ़े कोल, एक नहीं तो दूजी लै लो तुसीं भाई, इस दे वहम भरम विच पैण दी की गल है? पर लोड़ इस गल की है कि असी इस गल का अपने अंदर एक स्वै माण लैके आईए कि एक भी वड्डी गल है कि यह साड़ी बहुत वड्डी खुशकिस्मती है कि सानू गुरु ग्रंथ साहब गुरु मिले। मैं हमेशा बेनती करदा कि अगर तुहानू कोई पुछे कि गुरु कलगीधर पिता की सब तो वड्डी बख्शिश की है, हालांकि इसे सवाल का सब तो वड्डा किंतु परंतु है, जिहड़े देहधारी प्रथा नूं मन्नदे ने, जिहड़े देहधारी प्रथा की प्रोड़ता करदे ने, जां जिहड़े देहधारी प्रथा विच विश्वास करदे ने, उन्हां दा किंतु परंतु भी सब तो वड्डा इसे गल ते ही है भी एक ग्रंथ गुरु किवें हो सकदा। पर गुरु कलगीधर पिता की सब तो वड्डी बख्शिश ही यह है कि उन्होंने सानू देहधारी प्रथा विचों कढ़ के सदा सदा वास्ते शब्द गुरु दे लड़ ला दिता। तो मैं हमेशा बेनती करता कि हालांकि असी कहांगे नहीं जी खालसे नू प्रगट करना, खालसे की साजना करनी, होर बड़िया गुरु कलगीधर पिता दियां बड़िया बख्शिशां ने, पर मैं समझदा कि जिहड़ी सब तो वड्डी बख्शिश वो ये है कि जिहड़ा सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला दिता है। हुण भी मैं सिंह साहब जी नाल आउंदा रस्ते विच गल कर रहा सी कि जो हालत अज साडी कौम की बनी है कि कोई किसी नूं मन्नण लई तैयार नहीं है, इनूं तुसीं पढ़ाई लिखाई कह दिओ, इनूं आजादी कह दिओ, इनूं फ्रीडम कह दिओ, इनूं इनूं विचारधारा दी खुल कह दिओ, अपने आप नूं जस्टिफाई करन लई तुसीं जो मर्जी बोली जाओ, कोई उहदा कोई मायना नहीं है, कोई अर्थ नहीं उहदा। पर मैं उहनां नूं बेनती कर रहा सी वी जे आपां इह कहीए वी अज जहेदार नूं कौम नहीं मानदी, मैं कहा जहेद सिंह साहब मैनूं इह दसो भी अज बाप नूं बच्चा मनदा, कोई साबित करे, कोई उच्ची बांह करके कहे कि मैं इत्थे जो कह के जावांगा मेरा पुत्र मनेगा,
अज हर घर की हालत यह है कि हर घर के बच्चे मां प्यो तो भी मुनकर ने। अगे एक वेला हुंदा सी कि बाप नूं भी नहीं, कबीले का मुखिया कोई गल कर आउंदा सी ते पूरा कबीला उस नूं नभा दिंदा सी। हुण कोई साबित करे चाचा ताया कोई अपने भरा की सहुं चुक सकदा, कोई भतीजिआं की सहुं चुक सकदा कि नहीं जी, जो मैं कहांगा वो इसे तरह ही करनगे। वो कहेगा ना भरा जी, ये तो अपनी अपनी जिंद है, अपना अपना, मैं तो अपनी जिम्मेवारी ले सकता। हुण ये हालात पैदा किसने किए? इन हालातों लिए असी सारे खुद जिम्मेवार हाँ। सानू यह समझ नहीं आ रही, जिन्हों असी सोशल मीडिया कही जाने, जिन्हों प्रिंट मीडिया कही जाने, जिन्हों असी प्रेस की आजादी कही जाने। मैं तो अज भी उस स्थान पर यह बोल के आया, शायद आप जी ने लाइव सुनिया भी हो, मैनू नहीं पता कि वह जिहड़ा पादरी सी जां बिशप सी, गोरा सी जां काला सी, पढ़िया सी जां अनपढ़ सी, वो कदों किस सिख नूं किहड़े मुल्क विच, किहड़े चौंक विच, किहड़े होटल विच, किहड़े एयरपोर्ट ते मिलिया जिन्हें गल कही कि सिखो तुहाडी जिहड़ी फोटो है वो अजायब घर विच मिलिया करेगी, म्यूजियम दे विच मिलिया करेगी। मैनूं उहनां दी भी नहीं समझ आउंदी जिहड़े कहिंदे जी पंजाब विच सिखी दा सत्यानाश हो गया। हुण दसो मैनूं इत्थे तुसीं बैठे हो आ किन्ना कु सत्यानाश हो गया? गल सिर्फ इन्नी है कि तुसी कच दे गलास विच पानी पा लो, भरो नहीं। तुसी कल्ले कल्ले बंदे नूं पुछण चले जाओ कि भाजी इह गलास विच पानी किन्ना है, तुहानूं उत्थों समझ आ जाएगी भी 100 दे विचों 70% लोग जिहड़े ने उहनां दी सोच ही नैगेटिव। जे आपां कहीए अज इह हालत है, मैं कहना तुसीं इह साबित कर दिओ भी चंगे हालात कदों सी। अगली गल, सिक्खी जिन्नी अज चढ़दी कला विच है ना, इहदा सानूं माण होना चाहिए। मैं कनेडा गया, वैनकूवर नगर कीर्तन सी, 9 घंटे महाराज की पालकी दे अगे 5 प्यारिया ने सेवा निभाई। अप्रैल का महीना है, मैं पालकी दे विच सी और अपनियां लत्तां ते कंबल पाया होया सी और गर्म ओवरकोट भी पा के बैठा सी, पर उस सिख पैदल पैरां तों भी नंगे 9 घंटे, ना उन्होंने जल छकिया, ना उन्होंने कोई चाह पानी पीता, ना उन्होंने कोई बाथरूम वरत्या, ना उन्होंने लंगर छकिया। फिर असीं कही जाने जी सिक्खी की ढाई कला है जी, मतलब सोच ही असी उल्टी कर ली ना, असी भी असी सोचना ही नैगेटिव है। वो तो इदा ही है ना, जिदा मशकीन साहब कहते हैं भी जयपुर कोई मैनू परिवार छड्डन चला गया कार ते, उस वेले कार ही किसी विरले कोले हुंदी सी, ते कहिंदे 4-5 वारी राह विच उन्होंने कह दिता, जिहड़े कार चलाउंदे सी सरदार जी भी ग्यानी जी ऐतकां दे बहुत घाटा पिया। मशकीन साहब की किताब च लिखे है, वो कहिंदे मैं 2-3 वारी ते ध्यान नहीं दिता, पर जदों उसने फिर उही शब्द बोलिया कहिंदे फिर मैं पुछ ही लिया भी की गल की होई है, तो कहिंदे वो नहीं बोलिया, घरवाली बोली, कहिंदी छड्डो ग्यानी जी बस एवें दिल नूं ला गए ने, इन्होंने कोई टेंडर भरिया सी, वो इन्हां नूं काम मिल गया, उहदे विचों इन्होंने सोचा सी भी सानूं 10 लाख रुपया बचेगा, तो बचिया सानूं कोई 4.5 लाख, तो जिहड़ा 5.5 लाख घट बचा ना बस वो सरदार जी दिल नूं ला गए ने। आ हालत है साडी, ये मत सोचना भी असी बड़ा पाठ करते हैं जी, बड़ा कीर्तन करते हैं जी, बड़ी संगत करते हैं जी। ये गल्लां जिहड़ियां साडियां ने ना, ये गल्लां साडी जिंदगी विच आ गुरुद्वारे की छड़क नहीं पार कर दियां।
ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖੀ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਵੀ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਧਰਮ ਸਹਿਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਣੇ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡੇਢ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੋ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਣ ਖੁਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨੇ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਡੇਢ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੇਸਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸਟਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਦਮਾਲੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਣੀਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਦੋ ਦੋ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਭਜਨੀਕ, ਤਪਸਵੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜੈਬ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ 97% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3-4% ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੁਣਾਊਂਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਜੈਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ,
जिन्हां दी प्लस टू दी बच्ची नूं इन्नी बाणी कंठ है और जिहदे नंबर 97% आए ने, और दिल्ली का कोई कॉलेज ऐसा नहीं कि जिस कॉलेज तो कॉल ना आई होवे कि बच्चे तू साढ़े कॉलेज विच आके एडमिशन ले, उन्हें अपनी मर्जी नाल एडमिशन ली है। हुण साडी गलती है भी असी, मैं हुण दूजी उदाहरण तुहानूं देण लगा, यह है बाहर दे सिखां दा, उह जदों अपने परिवार विच बहिणगे ना, इंडिया च डस्ट बड़ी, मक्खियां बड़ियां, मच्छर बड़ा है, फिर पता क्या ज्ञानी जी साडे बच्चे ने इंडिया नहीं जाते, इन्हां नूं पुछो भी तुसीं दस्सिया की उन्हां नूं, तुसीं कदे कदे उन्हां नूं दस्सिया भी उत्थे हरिमंदर साहब हैगा, उत्थे काल तख्त हैगा, उत्थे बंगला साहब हैगा, उत्थे आनंदपुर साहब है पुत्र। मैनू एक सरदार मिले, उबराए होटल में ठहरिया, पूरी फैमिली लैके आया अपनी, छोटे तो वड्डे बच्चों तक, कहते ज्ञानी जी सिर्फ अपने बच्चों गुरधामां दे दर्शन कराउण आया, सिर्फ कोई काम नहीं मनाउंदी, इन्हों बाई एयर भी लैके गया, बाई ट्रेन भी लैके गया, बाई रोड भी लैके गया, और चंगे तो चंगे होटल में ठहराया, चंगी तो चंगा इन्हों खाना भी खवाया, इन्हों को लंगर में भांडे भी मजाए ने। कितना कितने असी दोषी हैं, कितना कितने साढ़े अपने, जिदा कहते ना असी बोल बगाड़, बोल बगाड़ असी दूजे उन्हूं समझते जिहड़ा दूजे नाल लड़ पवे। मैनू लगता भी असी हर घर च ही बोल बगाड़, असी बोल के अपने घर में ही बगाड़ी तुरे जाते। सानू सतगुरु पिता ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाए, शब्द गुरु दे लड़ लाए, एक ज्ञान गुरु है। इस थाल दे विच जिहड़े पदार्थ परोसे गए ने उहदे विच अमृत नाम ठाकुर का पायो, उहदे विच आत्मक जीवन देण वाला एक नाम रखे। हुण असीं इहदे प्रति रस्से खिंच ले इक दूजे नाल, जिहड़े बाणी पढ़न वाले ने वो कहते जी नाम सिमरन की लोड़ कह कोई नहीं, जेडे नाम सिमरन वाले वो कहते जी बाणी की की लोड़ है। अज भी चाहिए ये कि इन्ने साल तो बाद साडे विचों बहुत कुछ खत्म हो जाता, साडे विजन इन्ने खुल जाते, असी इत्थे पहुंच जाते कि आए मिल गुरसिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे, असी इत्थे खलोते हैं। भाई साहब तुसी अमृत किन्हां दा छकिया, फिर कई जाने जी असी पढ़े लिखे हैं जी, साडे नालों साडे अनपढ़ बजुर्ग कितने चंगे से, एक बजुर्ग कदे मास्टर तारा सिंह का जीवन पढ़ो, कितने यूपी विच गए, कितने जिस डेरे ते जाना सी, जिस खेतों के घर विच उन्हें जाना सी, उत्थे नहीं जीप जाती होनी, वो तुर के जा रहे हैं, एक दूरों बजुर्ग भज के जाके उन्होंने पैरों ते मत्था टेकदा है, उन्हें डकिया, उन्हें कहा भी तू बाबा की करदा है, वो कहिंदा भाई मैं गुरु नानक सुनिया डिठा ते कोई नहीं तेरे वर्गा सी। अज साढ़े चो असी दस दिए असी सिख तो सिख कि एक दूजे को कितनी इज्जत देने, कितना सत्कार करते, इस प्यू दादे दे खजाने खोल के असी कितना क वेखे कि इसनों पढ़ने की कोशिश की है। जे को खावे जे को पहुंचे तिसका होए उधारो, इनू किसी ने खाधा, जिन्हें खा लिया उन्होंने हजम कोई नहीं होया, उन्हें डंडा चुकिया होया, कहता तुम नरकों में जाओगे, हो तुम कीड़े पैणगे, हो इन्ना तिखा हो गया है अज तुम, मतलब आप साड़ियां जिहड़ियां खबरां बाहर प्रगट होंदियां ने, असी कित्थे खलोते हैं, साडे च है कोई जिहड़ा अरदास करे। मेरे कोल ने इक प्रचारक है, अजकल तो पंजाब आ गया,
किसी वेले ग्रंथी सिंह सी सीसगा साहब जदों ने मंगलाचरण भी पढ़ना ना उहदा मंगलाचरण हुंदा सी भी अवरै को उपदेश ते मुख मैं पर है रेत। मैं उहनूं पुछणा भी ज्ञानी जी की पढ़दे हो तुसीं, मैं कहा जी मैनूं सिठणी देनी ते मेरे कमरे च आके दे दिओ, सारी संगत नूं क्यों देई जांदे हो। मैं कहा तुहानूं पता तुहाडा जीवन किन्ना बदलिया, मैं मानता तुहाडा जीवन बदलिया, शायद तुहानूं नहीं पता। तुसी आ चोरी भी करदे सी, आ भी करदे सी, आ भी करदे सी, आ भी करदे सी, पर मैनूं पता है अज तुसी बाणी भी मेरे नालों वध पढ़दे हो, सिमरन भी मेरे नालों वध करदे हो, और तुसी अपनियां आदतां भी बदलियां। तो मैं कहा जे तुसी किते कम शुरू कर दिओ, मैं कहिंदे की, मैं कहा तुसी ना अरदास करिया करो सवेरे उठ के सब सारिआं वास्ते वी सच्चे पातशाह जिहड़ी कृपा मेरे ते कीती है ना उह मेरे होर सिख भरावां ते भी कर, वो बाकी संसार के जीवों से भी कर। मैं कहा तुसी तो क्रोधी हो गए, सगो झिया लै लै पैने हो, जिहड़ा तुहाडी कथा सुनन आए ते तुसी उहदी बेइज्जती करके ठा दिंदे हो। तुसी कौन मनुख है जिहदे कोलो कदे गलती नहीं होई? साडे कोलो गलतियां नहीं हुंदियां, सब कोलो हुंदियां। जिस दाते की गोद विच बैठे वह बख्शण हार है, उन्हें साडियां किन्नियां भुल्लां बख्शियां। असी किसे दी एक भी देख के अंडिट करन वास्ते तैयार नहीं। अरदास विच कहने हैं जिन्हां देख के अंडिट कीता, पुछो की कीता भला? जुल्म हुंदा देख के अंडिट कीता, उन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु, नहीं हो सकता। सिख जुल्म वेख के अंडिट नहीं करदा। इदां दी कोई भुल किसे दी वेखी है उन्हों अंडिट कर दिता, कोई गल नहीं। असी करदे हां, अपना बच्चा सिर मना दे, कोई नहीं ज्ञानी जी गलती हो गई जी, बस काका है जी सुधर जाएगा। दूजे दे मनाता होवे सिर, वेखो जी आप एडा दाड़ा वधाया, सवेरे मैक फड़ लैंदा गुरुद्वारे, न्याणे इहदे कोल सांभे नहीं जांदे। वी जे तेरा मना सकदा मना उहदा भी सकदा। कि तू उहदे बच्चे दी कदे प्यार कीता? मैं दारा सिंह दे घर गया, तुसी हैरान होवोगे, मैं गुरु की हजूरी च दस रहा, उन्हें इन्ने उलामे दिते। वो कहिंदा मेरे मुंडे ने मुसलमान कुड़ी नाल विआह कराया फरहा नाल, कहिंदा सिखां ने कहा तेरियां लावां नहीं पढ़नियां, कहिंदा मैं सहमत हाँ। मैं कहना तुसी चंगा कीता है, पर मैं कहिंदा मैनूं ज्ञानी जी इको ही गिला है। उदो प्रिंसीपल हरभजन सिंह होरी जिउंदे सी चंडीगढ़ वाले, जिहड़े शहीद सिख मिशी कॉलेज के प्रिंसीपल रहे, श्रोमणी कमेटी के सकत्तर रहे, सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह होरी नाल सी। असीं उन्हां दे घर जदों प्रशादा छकण गए, वह कहिंदे मैं कुश्तियां करदा सी, जिहड़े मैनूं पैसे मिलदे सी उहदा 30-35% टैक्स जांदा सी। मैं कदे गौरमेंट नूं टैक्स नहीं सी दिंदा, मैं उस टैक्स दे पैसे दी यूजिंग जिहड़ी सी, वरतों जिहड़ी सी, वह श्रोमणी कमेटी दे राहीं करदा सी। वह पैसे चैरिटी लई खर्चदा सी, ते कहिंदा तुहाडे कोल इन्ना ना सरिया वी तुसीं मेरे बच्चिआं नूं कोई उड़ाड़ा पढ़न वाले इक भेज दिंदे। मैं कुश्तियां करदा रहा, मेरे बच्चे सिख नहीं रहे, तो तुसीं मैनूं इह सजा दित्ती, पैसे तुसीं मेरे तो लैंदे रहे, तो जदों मेरे बच्चिआं दे विआह दी गल आई तो उदों तुसीं मैनूं कहा वी तूं सिख ही है नहीं गा। मेरी गल नूं ठंडे हो के कितें विचारे हो जी वी कितें इहदा सच्ची मुच्ची तां नहीं, कि असी कदे किसे नूं किसे दे बच्चे नूं सिखी देण दी कोशिश कीती है, उहनूं पढ़ाउण दी कोशिश कीती है? किसी के घरों कोई चीज गवाचती हो कदे उहदी जाके मदद करन दी कोशिश कीती है? कदे नहीं कीती, नुकता च नहीं रज के कीती। सतगुरु ने पाठ सानू नहीं सी पढ़ाया, सतगुरु पिता महाराज ने 239 सालां विच, देखो मेरी सोच तो बड़ी क्लीयर है, शायद मैं भी अखबार च पढ़ रहा सी वी नानक प्रकाश सूरज प्रकाश जी ग्रंथ को कहते कौम का की थोड़िया है, पर मैनू इन्ना पता है तुसी ये ना पढ़ो कुछ होर पढ़ लो। तुहाडे कोल की तरीका है
कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रैक्टिकल जेड़ा है वो कर सकते। अज साड़ी गलती की है, एक एक बाणी की तुक का असी थर्मामीटर बनाया, मैं तुहाडे मूँह च पाई जाना, तुसी मेरे मूँह च पाई जाने। मैं आप जी नूं पुछना चाहुंदा कि गुरबाणी के अनुसार मेरा जीवन मुकम्मल हो सकता? नहीं हो सकता। जिहदा होएगा उहने दसना कोई नहीं, क्योंकि जिन हर पायो तिन्नी छपाए। तो शूशा घट बहुता बोलदा, शूशे का अर्थ होंदा खाली, घट का अर्थ होंदा घड़ा। जिहड़े घड़े च पानी थोड़ा होएगा वह ज्यादा डलकेगा, उहदी आवाज दूर तक सुनदी है। गुरबाणी के अनुसार जीवन सिर्फ केवल गुरु गुरु साहबाना का होया जां उन्हां सिखां दा होया जेड़े फिर उस पदवी तक पुग गए, जिवें बाबा बुढ़ा साहब सा। भाई मती दास की करनी घट नहीं है, भाई सती दास की करनी घट नहीं है, भाई दयाला जी की करनी घट नहीं है, गुरु तेग बहादुर साहब नालों वध सीगे उन्हां सिखां नूं दित्ते गए सामने। भाई मणि सिंह दी, भाई तारू सिंह दी की करनी घट है? किन्नी कमाई होएगी उन्हां दे जीवन दी, किन्ना उन्होंने अपने जीवन में इस गुरबाणी नूं माणिया होएगा। अहीं तो किसी दे दो बोल नहीं सुन सकते, सानू बोल के लंघ किवें जाएगा कोल दी कोई बंदा। अज पाठ भी इहो पढ़ाया जा रहा, एक वेला सी जदों करनी प्रधान सी ते उदों बोलण वाले बहुता बोलण वाले नूं कपत्ता कहिंदे सी, अज उल्टा हो गया, जिहड़ा वध बोली जांदा लोक उहनूं ही सच्चा मन्नी जांदे। सतगुरु की बाणी तो बिना तुसी पढ़ो, गुरु हरकृष्ण साहब जी का जीवन पढ़ो, गुरु हराय साहब महाराज का जीवन पढ़ो, सके भरावान ने की नहीं किया, चाचा ताया ने की नहीं किया। देखो जी प्रैक्टिकल लाइफ है ना, जिंदगी जी है, धर्म इन्ना ही नहीं है भी आप कथा सुन ली तो चलो जी आप वेख लीए जी इन्हें बाथरूम की करके हाथ धोते कि नहीं धोते जी, लंगर छकिया अपनी थाली चुकी कि नहीं चुकी जी, यहो जी ड्रामेबाजी मेरे वर्गे सगो ज्यादा कर दे जी, भी लोगों को प्रभाव पवे भी कमाल है जी। सवाल तो यह है कि जो जन्म तो लैके मरण तक कि ओढ़ के निभ ही प्रीत। मैं वह व्यक्ति भी वेखे फरीदाबाद में जिन्होंने शायद कदे किसी के विआह के उपर कदे किसी को माफ नहीं सी कीता, पर जो अपनी वारी आई मैं क्या भी मैं क्या मैं वीर जी किसी हाँ कर चुकिया ना जी, मिलनी की अरदास तुसी करनी है। मैं क्या जी मैं 12 बजे फ्री कर दोगे, हालांकि मैं कोई वहम भरम नहीं करता, कर देंगे 12:30 बजे। मैं बांह फट के क्या मैं कहो नान नचो मेरे तो मिलनी की अरदास करा लो, मैं दिल्ली पहुंचना है। कहते जी आखे नहीं लगते, मैं क्या फिर सारा जी इदा ही है, सारे के घर च इदा ही है। मैं कहो तुसी कदे किसी नूं माफ किया सी? मैं कहा इदा कर सरदार मैं चलदा, पर अज मेरे नाल वादा कर भी अज तो बाद जाके तू तो किसी के घर जाके कुपत तो नहीं करेगा ना। सानू गुरुआं दा इतिहास पहला पढ़ना चाहिए, जे भुल भुलेखे कोई मेरे वर्गा सिख बन ही गया फिर मैनू छड़ देणगे, लो जी इहदी घर वाली ते लिपस्टिक लाउंदी है, नाले पढ़ी जांदे करमी आपो अपनी, चलो जे उहने भी केस की बन ली फिर उहदा न्याणा फड़ लैणगे वी आ वेखो जी ने पटकी बद्धी है, चलो जे उहने दस्तार सजा ली जिवें हुण मैनू कोई दसन दिया सीगा
ਅਸੇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੋਭੀ ਲੈ ਆਓ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਆਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈਏ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 239 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਰਜਨੀਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि भाई सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो इस बाणी नू सत करके मन्यो। हुक्म तो यही है कि सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। पढ़ी रोज जाने कि बेनगुण कीते भगत ना होए। मैं गुरु हराय साहब जी की एक बेनती आप जी के चरणों में करके मैं आप जी तो आग्या लवा। गुरु हराय साहब पिता महाराज ने ज्योति जोत समाउण तो पहला सब संगत को कीरतपुर साहब बुलाया। बड़ा वड्डा इकट्ठ होया। कई दिन बीत गए। हुण सिख भी एक दूजे नूं पुछण लग गए भी कोई पुरब मेला तो है नहीं है, कोई त्यौहार तो है नहीं, ना कोई दिवाली है ना कोई विसाखी है, तो गुरु जी ने बुलाया कादे दी। गुरु हराय साहब जी की कोई बहुती उम्र तो है नहीं सी, सतवें पातशाह जी। और ये भी इतिहास में आता है कि उन्होंने दिनों के लंगर आप वरताते जो पंगत लगनी आप सतगुरु जी ने दाल प्रशादा भी वरता। उन्होंने दिनों में सतगुरु जी ने उपदेश भी बहुत दिता। कहते उन्होंने जीवन की कथा पढ़ोगे वो भी आएगा। जो सतगुरु कहते एक पहाड़ी ते खलोते ने कीरतपुर साहब तो थोड़ा जा बाहर गए टहल कदमी करते हैं तो कहते सिखो भाई मैनू ओ बेड़ा जेड़ा है कहते वो टुटदा नजर आ रहा है। उहदे विच जिहड़े सिख बैठे ने वो कले कले फटे दे उपर मैनू रुड़दे तुरे जाते नजर आते हैं। तो सिखां ने पूछा महाराज सानू तो दी दे नहीं। वो समझ गए भी इहदे विच कोई भेद जरूर है। उदों सतगुरु जी ने समझाया सी भी जिहड़ी हन्ने हन्ने की सिखी है ना इहदे तों भाव है। सतगुरु जी के घर में दस गुरु साहबाना का सिद्धांत दस रूपों में नहीं है, इको रूप में है। हुण नवी नवी खोज के नाते असी बहुत कुछ गवाया। अपने नवी नवी खोज के नाते कितना चंगा होंदा कि जे असी मन लैंदे कि भाई चरण पौल नूं सतगुरु ने खंडे बाटे की पौल में कन्वर्ट किया बड़ा भला हो जाना सी। सर बहुत भला होना सी, असी नहीं तुरे। असी अपने गुरु साहबाना नूं एक करनी वाले सारिया नूं नहीं मन्निया होया। उहदा मन्नदे आ जोत इक्को ही है, जुगत इक्को ही है, मसनद गद्दी इक्को ही है, तो फिर बई बराबरता क्यों नहीं है? फिर आप उन्हां दी काबलीयत विच फर्क पाउण वाले असी कौन हुन्ने आ? सानू ये गुस्ताखी का हक किन्ने दिता है? ये भिन्न भिन्न सब हूं कर जाना एक जोत किन्हूं पहचाना जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई बिन समझे सिद्ध हाथ ना आई। गुरु नानक अंगद कर जाना अंगद अमरदास पहचाना अमरदास रामदास कहायो। गुरु अमरदास विच ते गुरु रामदास विच कोई फर्क नहीं है। गुरु अंगद साहब ते गुरु अमरदास विच कोई फर्क नहीं, गुरु नानक साहब ते गुरु अंगद साहब विच कोई फर्क नहीं है। उस वेले गुरु हराय साहब महाराज ने एक उपदेश किया सी कि वेखो भाई जिन्ना चिर तुहाडे विच भाव नहीं आएगा तुहाडे विच भाव पैदा नहीं होगा। ये आसा की वार विच स्पष्ट लिखा है कि जिन मन भाव तिना मन भाव। बिना अदब तो प्यार पैदा नहीं होएगा। इत्थे भाव का अर्थ जिहड़ा है ना वह दुनियावी डर नहीं है, इत्थे भाव का अर्थ है अदब। जिवें बच्चे बजुर्गों का करते हैं अदब करते हैं, पत्नी पति का कर दी अदब कर दी है।
कोई इदां दा डर नहीं हुंदा भी जिदां घर च पुलिस आ जाए जां पुलिस आउण वाली होवे, इदां दा डर नहीं हुंदा। पर यह जरूर हुंदा है कि मैं छेती नाल खाना बना लवां, प्रशादा बना लवां, सरदार साहब आउणगे ते फिर की कहणगे भी तू प्रशादा भी नहीं तैयार कीता। यह अदब है, भाव है, यह डर नहीं है। बिना अदब तो प्यार पैदा नहीं होएगा ते बिना प्यार तो भगती नहीं होएगी। जिहड़ी बिना प्यार तो भगती है ना, यह अड़ाट ही है जिन्ना मर्जी पाई जाइए आप। ते बिना भगती तो ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान तो मुक्ति नहीं है, बिना मुक्ति तो आनंद नहीं है। हुण तुसीं उहदे कही जाओ आनंद पिया मेरी माए पुछो कित्थे है, हैगा तेरे कोले? आनंद एक अवस्था है, आनंद तो बिना मिलाप नहीं है, अदब तो बिना प्यार नहीं है, प्यार तो बिना भगती नहीं है, भगती तो बिना ज्ञान नहीं है। जिहड़ा भगती तो सखना ज्ञान है ना, वह उही ज्ञान है। अज पढ़ी होनी तुसीं पाकिस्तान की खबर, वह कहता साडे कोल भी एटम बंब हैगा। एटम बंब ज्ञान तो बिना नहीं बनता। आ जिहड़ी दुनिया बर्बाद होने ते पहुंची, ज्ञान नाल ही पहुंची है। उस ज्ञान की लोड़ नहीं है, सानू उस ज्ञान की लोड़ है जिहड़ा भगती विचों जन्म लवेगा। उत्थे नफरत नहीं होएगी, उत्थे प्यार दे विच, उत्थे सब नू अपने नेड़े लाउण की कोशिश की जाएगी। हुण ज्ञान तो बिना मुक्ति नहीं है। हुण ज्ञान तो बिना असीं मुक्त हो सकदे कदे? हुण सानू इह ज्ञान होना चाहीदा है कि भाई इन्ना क समा परमात्मा ने मैनू दुनिया दे विच रहण वास्ते दिता है, इन्ना क मेरा बीत गया है, इन्ना क मेरा बाकी है, इन्हें ची मुक्त हो जाएंगे आप। हम एक बंदे की 50 साल उम्र है, वो तो कि 80 जीव देगा, बाकी की बचा 30 बचा ना। हूँ जिधर 30 का ज्ञान आ गया भी तेरे को 30 बाकी ने, तो सवेरे वो वर्किंग चेंज हो जाएगी, वह स्टाइल ही सवेरे चेंज हो जाएगा। उन्होंने ज्ञान होना चाहिए भी तेरे को बाकी 30 साल ने भाई। हूँ ज्ञान तो बिना मुक्ति नहीं। हूँ मुक्ति जिहड़ा बंदा मोह ममता दे विच, ईरखाबाजी दे विच, वैर विरोध विच जिहड़ा मनुख ग्रसिया होया है, हुण तुसीं उहनूं भी कही जो मरन तो बाद जे मुक्त हो गया, जे गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया। मुक्ति तो बिना आनंद नहीं है। जिहड़ा आदमी मोह ममता वैर विरोध विच है वह आनंद का अधिकारी कितने भी नहीं हैगा। ते जिहड़ा आनंद तक नहीं पहुंचिया वो परमात्मा नाल मिलाप नहीं कर सकता। उस तो बाद दी अगली अवस्था है, जो कोई आनंद वाली अवस्था विच जाएगा उत्थे जाके एक मिकता उहदी जिहड़ी है सुरत जिहड़ी है वह जाके परमात्मा विच टिकेगी। ये गुरु हराय साहब पिता महाराज ने ज्योति जोत समाउण तो पहला यह उपदेश साडी झोली विच पाया। यह साडी खुशकिस्मती है, साडा ज्ञान गुरु है, साडा शब्द गुरु है, साड़ी विचार गुरु है। और शब्द बड़े प्यारे ने, हुण जिवें आपां बैठे हाँ गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश में बैठे हैं, तो प्रकाश में तो अंधेरा नहीं ढोना चाहिए ना, फिर साडा सारिआं दा जीवन रोशन हो जाना चाहिए। फिर तो गुरसाखी जोत प्रगट होए, फिर तिसदा चानण सब में चानण होए। ये जिहड़ी रोशनी है, ये जिहड़ा ज्ञान है, ये साढ़े इस हिरदे नूं रोशन करना चाहिए। इहदे अंदर दी अज्ञानता नूं ये मिटाउण वाला ज्ञान आपां जतन करिए। इस पासे नूं तुरिए, संसार में एक संदेश देने की कोशिश करिए। कि आओ भाई सारे रल मिल के, जिहड़ा धर्म है ना एक कला जानण दा विशा नहीं है,
ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਂਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ, ਪਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਰਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵੋ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 50 ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ 70% ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਕੋਏ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਡਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਸੋਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ, ਜੂੰ ਜੂੰ ਦਵਾ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
क्योंकि साढ़े तर्कवाद ने नास्तकता साढ़े विच लै आती है, हने हने की सरदारी लै आती है, कोई एक दूजे नाल बहन लई तैयार नहीं, बोलन लई तैयार नहीं, एक दूजे नूं फतेह बुलाउण लई तैयार नहीं। आप किहड़े प्रचार विच पै गए, गल्लां सी उस वेले दीआं सुणनीआं चाहुंदे आ, 18वीं सदी वालियां कि सिख सिख नूं किन्ना प्यार करदा सी, सिख सिख ते किन्ना भरोसा करदा सी, सिख सिख ते नहीं सी करदा, दुनिया भी भरोसा करदी सी। तुहाडे ते बड़ी किरपा है, तुसीं हमेशा अपनी किरत भी करदे हो, सच्चे पातशाह दे नाल जुड़दे हो, जुड़न दा जतन करदे हो, तुसीं हमेशा चढ़दी कला विच रहो, ये मेरी अरदास है। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां, उपदेश सतगुरु जी का है अपने पल्ले बन लैना, भुल्लां बख्शो जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।